नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। आज लोकसभा में एक अलग ही माहौल देखने को मिला, जहां भाजपा ने कांग्रेस के लगाए आरोपों का जवाब दिया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपका फैलाया हुआ रायता हम समेट रहे हैं। इस पर विपक्ष ने रायते शब्द पर चुटकियां ली। सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं, अब बैंक बिना राजनीति दबाव के काम करेंगे, बैंकों में राजनीति हस्तक्षेप नहीं चलेगा। बैंकों में फैला यूपीए का रायता हम साफ कर रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि 9 सालों में उनकी सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था ऊंची उठी है, जिसमें आर्थिक विकास हुआ है, जिसके बाद आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वही उन्होंने बैंकों, डीबीटी, जन औषधि केंद्र, ग्लोबल रैंकिंग मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बनेगा मिलेगा जैसे शब्द अब प्रचलन में नहीं है। बैंकिंग सेक्टर का हमारे सफलता वाली स्टोरी आपके सामने रखना चाहती हूं। सर, वी हैव बीन ड्राइविंग, वी हैव रियलाइज्ड दैट द बैंकिंग सेक्टर नीड्स टू बी हेल्दी एंड देयरफॉर वी टुक अ लॉट ऑफ मेजर्स एंड मच बिफोर द ऑपोजिशन सेज ओ नो यू हैव नॉट डन एनीथिंग। आई वांट टू कोट former governor of RBI, Sri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 14 kept the NPA hidden from the public and regulators. The evergreening karne ke wajah se wo NPA kahi niche dikhai nahi diya, kahi under the carpet rahe gaye. Magar hamari sarkar aane ke baad usko nikal nikal karke उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए, उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं। इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स have record profits of over 1 lakh crore. Hamare public sector banks aaj 1 lakh crore se zyada munafa kama rahe hain. Gross NPAs and net NPAs are at a decadal lows. And different. Hamare bankon ke jo dividend sarkar ko pahunchta hai, wo jan kalyan ke liye upyog karte hain. Hum isse pehle jo bank ka halat tha, usse wo ubhar kar upar aakar ke acha मुनाफा कमाने के लिए आज हेल्थ उनका अच्छा है। SBI हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन क्वार्टर वन ऑफ FY 23-24। SBI अर्न्ड 18,537 क्रोर्स एज प्रॉफिट्स। सर, वो डेट लेडन नाइटमेयर के इकोसिस्टम से आज पिल्लर ऑफ जन कल्याण बन गए हैं हमारे बैंक्स। 2013-14 when DBT was operationalized, UPA के समय में DBT operationalized हुआ, मैं उसको recognize कर रही हूं। मगर operationalized होने के बाद सिर्फ 7,367 crores were transferred in 13-14. I want to say now that from that amount, DBT transfers have increased 5 times. By 2014-15 itself. Now, in the last financial year, which is ending March 23, 7.16 lakh crores have been transferred through DBT. And what DBT's 693 crore transaction ke dwara hua hai. Kahan hai 7,367 crore? और कहां है 7.16 लाख करोड़। इतना फर्क है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स में अभी डीबीटी उपयोग कर रहे हैं। इन 9 इयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट मोर देन 30 लाख करोड़ हैव बीन ट्रांसफर्ड। सर, लॉन्च करने में एक मजा है, स्कीम लॉन्च करते जाओ मगर उसका पालन और इम्प्लीमेंटेशन में कोई शक्ति दिखाना नहीं है, वो है कांग्रेस का नियत।
बार बार बोलते हैं जन औषधि केंद्र भी हमारा प्रोग्राम है, हम ही लॉन्च किए हैं। हाँ, लॉन्च किए हैं जरूर, हवा में रह गए हैं, जमीन पे लोगों के पास नहीं आया वो जन औषधि केंद्र। मैं ये बात बोलना चाह रही हूं कि आखिर हम लोग ग्रास रूट्स और ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए जन औषधि केंद्र का प्रोग्रेस आपके सामने मैं रखना चाहती हूं। सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ जन औषधि केंद्र वॉज टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट वन जन औषधि केंद्र और स्टोर विल बी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। जब यूपीए ने लॉन्च किया उस समय उनके मकसद ये था कि जन औषधि केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हो, मगर 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 80 लॉन्च किए हैं यूपीए, सिर्फ 80। इस देश में तब मान लीजिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रहते थे, अभी तो 700 से ज्यादा हो गए, 600 में से सिर्फ 80 तक पहुंचे 8 से लेकर 14 तक, 2008 से 14 तक। सो लॉन्च करने में खुशी है मगर इंप्लीमेंट करने में नहीं। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जनायक, देखते रहिए जनायक और पढ़ते रहिए जनायक, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।